राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय कुंडली या गुणों को जब हम मिलाते हैं तब उसमें नाड़ी दोष हमारे सम्मुख आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में समाधान कभी हमें प्राप्त हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो कैसे इसकी सही जानकारी हमें प्राप्त हो, क्या इसका कोई परिहार है, क्या इसका कोई समाधान है और कब लगता है नाड़ी दोष, इसके विषय में आज की वीडियो है। तो चलिए आरंभ करते हैं। अष्टकूट मिलान, यानी जब कुंडली हम मिलाते हैं तो आठ कूट मिलाए जाते हैं, जिसको आठ सूत्र कहते हैं, जिसमें वर्ण, वर्ष, तारा, ग्रह, मैत्री, योनि, भकूट और आठवां कूट होता है नाड़ी, नाड़ी मिलान। तो सबसे अधिक जो अंक प्राप्त होते हैं वह नाड़ी के ही प्राप्त होते हैं, आठ अंक। इन सभी का जब जोड़ किया जाता है तो 36 अंक समाहित होते हैं विवाह के लिए। तो नाड़ी को बड़ा ही प्रमुख माना गया है। नाड़ी, जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं तो पूर्व काल में वैद्य जब चिकित्सा करते थे तो हमारी नाड़ी को देखते थे कि नाड़ी की धमनियाँ कैसी चल रही हैं, कम हैं, तीव्र हैं या मध्यम हैं, तो उसके अनुरूप ही जो है हमें वह उपचार बताते थे कि किस प्रकार का रोग शरीर में विद्यमान है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्रों में नक्षत्रों के आधार पर 27 नक्षत्र हैं, नौ नौ भागों में तीन जगह उनको बांटा गया है, जिससे आधी, मध्य और अंत्य तीन प्रकार की नाड़ियों का उद्भव हुआ है, तीन प्रकार की नाड़ियों का उद्भव हुआ है। और उसी से विवाह से पूर्व कुंडली जब मिलाते हैं तो उसमें नाड़ी मिलान किया जाता है। तो नाड़ी को मिलाना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि नाड़ी के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि जीवन में कितनी उन्नति, प्रगति और खुशहाली रहने वाली है। तो तीन नाड़ियाँ बताई गई हैं और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि नाड़ी दोष यदि है तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन नाड़ी दोष, हम आजकल सॉफ्टवेयर का समय है, सब सॉफ्टवेयर में डेट, डिटेल आदि डालते हैं और हमारे सम्मुख गुण मिलान आ जाते हैं। लेकिन किसी विद्वान ज्योतिषी के माध्यम से जब हम उस पर विश्लेषण करवाते हैं या देखते हैं तो उसका गुण तो वही निकलते हैं, लेकिन उसका परिहार सॉफ्टवेयर में हमें नहीं पता चलता है कि नाड़ी दोष बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ये सॉफ्टवेयर हमें नहीं बताएगा, ये विद्वान ज्योतिषी के सानिध्य में जाकर ही हमें मालूम होगा। तो चलिए जानते हैं कि नाड़ी दोष यदि कुंडली में बन रहा है तो उसके परिहार क्या हैं, क्या वास्तव में नाड़ी दोष है या नाड़ी दोष केवल दिखा रहा है, नाड़ी दोष है नहीं। आचार्य वराहमिहिर और अन्य जो ज्योतिष के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, महर्षि वशिष्ठ आदि हैं, तो इन्होंने बड़ा ही शोध करके नाड़ी के विषय में कहा है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त और कफ तीन संज्ञा दी गई हैं। योग शास्त्र में इसी को इंगला, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है, तो इनके परिहार भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि वर और वधु का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन चरण उनके पृथक हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, चार चरण। यदि किसी वधु का चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है और वर का भी चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है लेकिन उसका चरण भिन्न है, यानी उसका तीसरे में हुआ है, तो नाड़ी दोष तो सॉफ्टवेयर में दिखाएगा लेकिन वास्तव में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसका परिहार हो गया। यदि नक्षत्र एक है और उनके चरण भिन्न हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। दूसरा सूत्र शास्त्रकार कहते हैं कि यदि वर और वधु की एक ही राशि है लेकिन जन्म नक्षत्र भिन्न है तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। एक ही राशि है क्योंकि सवा दो नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है, और सवा दो नक्षत्रों में यदि दोनों की राशि सेम है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हैं तो भी नाड़ी दोष से कुंडली जो गुण मिलान है वह मुक्त माने जाएंगे, यानी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अच्छे समाधान के लिए हमें किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का विवेचन, विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। शास्त्रकार आगे कहते हैं कि वर वधु दोनों का जन्म नक्षत्र एक है, चरणों की भिन्नता है तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। ज्योतिष शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष बन रहा है तो विवाह ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही घातक कहा जाता है, लेकिन यदि परिहार है तो आप कर सकते हैं। यदि परिहार नहीं है तो शास्त्रकार कहते हैं कि यदि नाड़ी दोष है और विवाह हो जाता है तो उसके पश्चात संतान उत्पत्ति को लेकर समस्या जीवन में आ सकती है, कलह, क्लेश आदि बढ़ सकता है,
कुछ ना कुछ धनहानि हो सकती है या कोई दुर्घटना जीवन में ऐसी घटित हो सकती है जिससे हमें कष्ट उठाना पड़े। तो इसीलिए सबसे प्रथम नाड़ी दोष को हमें देख लेना चाहिए। नाड़ी दोष कहीं बन तो नहीं रहा है? अगर बन रहा है तो किस प्रकार से बन रहा है? क्या नक्षत्रों के चरण एक हैं या राशि भिन्न है, या किस प्रकार से हमारी कुंडली मिलान में जो है नाड़ी दोष बन रहा है, नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है? तो ज्योतिष शास्त्रकार इसका परिहार भी देते हैं, इसका एक उपाय भी देते हैं। यदि वर और कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष नहीं लग रहा है, फिर भी यदि आप अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, यदि उत्तम लाभ लेना चाहते हैं, या कई बार वर और कन्या दोनों राजी हैं लेकिन फिर भी नाड़ी दोष है, तो उसके परिहार के लिए ज्योतिष शास्त्रकार बहुत ही उत्तम उपाय देते हैं। कहते हैं कि भगवान आशुतोष भोले भंडारी जो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, कालों के काल महाकाल भगवान महामृत्युंजय, इनका जप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन शुभ समय देखकर अग्निवास तिथि आदि का विचार करके, नक्षत्रों का विचार करके महामृत्युंजय का जप, महामृत्युंजय देवता का जप यानी 1,25,000 मंत्रों का जप करना चाहिए। उसका दशांश यज्ञ करें, उसका दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करके इस दोष का समाधान होता है। यदि पूर्व में पता नहीं था, कुंडली नहीं मिलाई, विवाह आदि संपन्न हो गया, लेकिन बाद में यदि जीवन में समस्या बनी हुई है, तो भी कुंडली को दिखाकर यदि नाड़ी दोष है और पूर्व में समाधान नहीं किया है, समस्या आप झेल रहे हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, व्याधियों ने घेरा हुआ है, तो आप निश्चय ही आशुतोष भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं और किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर और विधिपूर्वक भगवान महामृत्युंजय देव का 1,25,000 मंत्रों का जप अनुष्ठान आप करवाएं, तो शीघ्र ही भोले भंडारे की आप पर कृपा होगी और नाड़ी दोष से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।